यह जो महिला डांसर के साथ नाचते कमर हिलाते नजर आ रहे हैं, यह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि यह ढीले ढाले पतले दुबले बूढ़े नजर आने वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश सरकार में गुन्नौर विधानसभा से विधायक शिवदयाल बागरी हैं, जो 16 साल के लड़कों की तरह बालाओं डांसरों के साथ कमर हिलाते और ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। इतना ही नहीं, यह महिला डांसर पर पैसे निछावर करते भी नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब विधायक ने पूरे जोश के साथ अपने मुंह में नोटों की गड्डी दबा ली और डांसर ने इनके मुंह से मुंह लगाकर यह पैसे निकाल लिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक शिवदयाल बागरी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे, जहां उन्होंने डांस के लिए बालाओं को बुला लिया तो विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और राय डांस करते हुए इनके साथ ठुमके लगाने लगे और देखते ही देखते कार्यक्रम में अश्लीलता होने लगी और विधायक भी अपनी गरिमा भूलकर अश्लीलता परोसने वाले लोगों के साथ घुल मिल गए। अब बता दें कि यह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर समाज को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी दोनों कंधों पर सौंपी गई है, लेकिन विधायक जी ना तो अपने कंधों की फिक्र कर रहे हैं, ना ही लोगों की और ना ही अपनी उम्र की। कहीं विधायक जी का इस उम्र में कोई शरीर का पुर्जा हिल गया तो विधायक जी को लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि विधायक जी को बाकी किसी चीज की कोई दिक्कत या डर नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र के दबंग विधायक हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधायक के रूप में एक जिम्मेदारी दी गई है, जो बखूबी निभाते और कमर हिलाते और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद विधायक जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग इनकी तुलना बड़े डांसरों के साथ जरूर करने लगे हैं, लेकिन विधायक जी का यह वीडियो देखकर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।